क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर मंगलवार को एक दिन के लिए मध्य प्रदेश आए। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर वे सीधे देवास जिले के संदलपुर पहुंचे। यहां भगिनी निवेदिता विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे सीहोर में अपनी संस्था के बाल आश्रय श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय गए। यहां बच्चों के साथ बातचीत की और उनके साथ क्रिकेट भी खेली। यहां से वे राजधानी भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। देर शाम वे वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। तेंदुलकर इंदौर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से देवास जिले के खाते गांव के निकट संदलपुर में भगिनी निवेदिता विद्यापीठ पहुंचे। यहां उन्होंने अपने फाउंडेशन परिवार एजुकेशन सोसाइटी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान तेंदुलकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिताजी का सपना था कि गरीब बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए, आज वह होते तो बेहद खुश होते। संदलपुर से वे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र के ग्राम सेवनिया पहुंचे। यहां अपनी संस्था के बाल आश्रय की रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की। इसके बाद वे बल्ला लेकर मैदान पर उतर आए और बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। इस स्कूल में गांव के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। सीहोर से वे भोपाल के लिए रवाना हुए। भोपाल में उन्होंने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। यहां से वे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई के लिए रवाना हुए। उनके जाने के बाद सीएम शिवराज से ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। इसके बाद अपनी खुशी जताई। तेंदुलकर का परिवार फाउंडेशन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रहा है। शिवराज से मुलाकात के दौरान उन्होंने फाउंडेशन के कामकाज के बारे में उन्हें बताया। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम ने तेंदुलकर को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार फाउंडेशन को उनके सभी अच्छे कामों में पूरा सहयोग करेगी। तेंदुलकर ने इस मौके को बेहद गोपनीय रखा था, आम लोगों और मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए थे। इसके बावजूद सचिन के आने की भनक लगते ही लोग रास्ते भर उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे हाथों में तिरंगा लिए खड़े नजर आए।